चलेगा कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। तो इसके लिए हमारे अकाबरीन ने हमें कुछ असूल और ज़वाबत बताए हैं जो तकरीबन 7 किस्म के हैं। 7 चीज़ें इकट्ठी होएं तो फिर हमें पता चलता है कि ये चीज़ गर्म है या सर्द है। वो एक वाक़या है ना हज़रत लुकमान का कि वो हकीम दाना थे तो कहते हैं उनसे साथ जड़ी बूटियाँ बातें करती थी। सुना होगा आपने वाक़या ये, हालांकि ऐसा नहीं है। ये एक गैर फितरी अमल है कि जड़ी बूटी को ज़बान मिल जाए और वो बोलने लगे, ऐसा नहीं है। हज़रत लुकमान के पास इल्म था, एक उस इल्म को फॉलो करते थे। वो देखते थे कि ये बूटी के अंदर वो तमाम लवाजमत पाए जाते हैं जिसे मैं पता करे चले कि ये गर्म है या ठंडी है। और वही अलूम आपको आपके अकाबरीन ने दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती है हम लोग उनको पढ़ते नहीं हैं। अब किताबों के अंदर जड़ी बूटियाँ जो लिखी हैं उनके तो म्यार मुकर्रर कर दिए गए हैं, आपको उनकी पहचान नहीं है। आप जंगल में जाते हैं, वहाँ एक बूटी देखते हैं, जड़ी बूटी देखते हैं, किसी को कोई तकलीफ़ है तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि जड़ी बूटी जो है इसका मिजाज गर्म है, सर्द है, क्या है? कोई ना कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए ना कि फ़ौरन उसको खा के आदमी मर जाए, ऐसा तो नहीं। तो वो जो म्यार होते हैं ना उनको आप अपने जहन में रखो कि वो म्यार क्या है। तो इसके लिए 7 किस्म के म्यार जो है ना ये मुकर्रर किए हैं हमारे हुकामा ने। हकीम बनने के लिए आदमी को 4 शोबों का मास्टर होना चाहिए। एक तो आदमी को ललारी होना चाहिए, ललारी समझते हम क्या होता है, रंग साल जो कपड़े रंग था पहले, उनको पता होता है कि हमने कौन सा रंग बनाना और कौन कौन सा रंग इसमें मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक रंग बनेगा। अब कुदरत ने हमें 3 रंग दिए हैं टोटल, नीला पीला और सुर्ख रंग, ये कुदरती रंग है, बाकी तमाम रंग जो है इनसे मिलके बनते हैं। अब नीला रंग पानी का होता है, पानी सरदार होता है, पता है आपको? और पीला रंग ये आग का होता है ना, धूप का रंग होता है, तो यही पता आपको, वो गर्म होती है। और सुर्ख रंग जो है ये आग का रंग होता है, उसका भी पता, वो भी गर्म होती है, गर्म खुश्क होती है। अब जब आप जाते हैं जंगल में तो वहाँ सबसे पहले आप जो चीज़ देखते हैं जड़ी बूटी, वो उसका रंग देखते हैं कि जड़ी बूटी का रंग क्या है। अब जड़ी बूटी का जो पत्ता होता है, ये पता तो सब्ज रंग का होता है, कोई भी जड़ी बूटी हो तो वो पत्ता मेयार नहीं है। अब पत्ते के पीछे बरीक डंडी होती है, आप उसका रंग देखें कि उसका रंग कौन सा है। ये जो पत्ते का रंग सब्ज होता है ये बेसिकली आपको शुगर प्रोवाइड करता है ना जो पौधों से, ये शुगर बनाने के लिए होता है, ग्लूकोज बनाने के लिए होता है, जो पत्तों के अंदर रंग होता है। इसका मिजाज से ताल्लुक नहीं है, मिजाज का रंग डंडी से होता है। वो डंडी का रंग आपने देखना है कौन सा, वो सुरख है, वो सफ़ेदी मायल है, वो पीले रंग का है, किस तरह का है। तो अब किसी भी पौधे की डंडी में जितनी सुर्खी पाई जाएगी उतनी उसके अंदर आग मौजूद है, और जितना उसमें नीलापन होगा उतनी उसके अंदर सर्दी मौजूद है, या तरील कह लें आप पानी का, जिस तरह मिजाज होता है, क्योंकि पानी का रंग नीला होता है बेसिकली, तो पानी का रंग सफ़ेद होता है। नीला रंग जो है ये सिर्फ आसमान की वजह से है, हमें नज़र आता है, अक्स होता है आसमान का। तो पहले जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो होता है रंगों का इलम। रंगों का इलम जो है इसको साइंस ने भी इसको बड़ा मतलब अप्रिशिएट किया है, वो क्रोमोपैथी के नाम से एक, बल्कि इसकी पूरी एक अलहदा तरीका इलाज है, वो रंगों से इलाज करते हैं। अब इंसान को पता होना चाहिए ना बंदे के अंदर कौन कौन सा रंग है, खून का रंग कैसा है, पित्ते के अंदर रंग पानी पड़ा हुआ उसका रंग कैसा है, या बाकी जो हमारे जिस्म के अंदर ग्लैंड हैं वो कौन कौन सी रतूबतें इखराज करते हैं, उनके रंग कैसे हैं। ये सारे तमाम ग्लैंडों की रतूबतें एक जैसी नहीं होती हैं, मुख्तलिफ रंगों की होती हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ का आपको इलम होना चाहिए वो होता है रंग। इन रंगों को आपने देखना है कि कौन सा रंग जो है वो इस जड़ी बूटी के अंदर पाया जाता है, तो वो आपको एक मिजाज थोड़ा सा आपको एक रास्ता देगी कि ये इस किस्म की बूटी हो सकती है। दूसरी चीज़ होती है, ये अल्लाह पाक ने हमारे ज़बान के अंदर एक हिस्स रखी हुई है जिसको हम हिस्से जायका कहते हैं, और इसी तरह जायके भी 3 किस्म के हैं। मीठा जायका होता है, नमकीन होता है, और तुर्श होता है। बाकी तमाम जायके इनसे मिलके बनते हैं।
आपकी ज़बान जो है ये नमकीन का जायका महसूस करती है कहाँ पे, अपनी जड़ पे, जो इसकी जड़ होती है पीछे वहाँ पे, मिठास जो है ये सामने होती है और तुरसी होती है ये साइडों पे होती है, महसूस होती है आपको। तो फिर आप जब आपने उसका रंग देखा, रंग के बाद आपने उसका जायका देखना है कि इस बूटी का रंग कैसा है, जायका कैसा है। अब मिठास आती है हरारत से, मीठापन जो होता है ना किसी चीज़ के अंदर, ये उसकी हरारत की वजह से आता है। जैसे जैसे उसमें से हरारत ख़त्म होती जाती है वो फीकी होती जाती है, और जो फीका जायका है ये सर्दी का है तरीका। अब फीके जायके को और नमकीन को मिला दें तो फिर इसका जायका देखें, ये हल्का सा तुरसी मैल हो जाता है, जैसे नींबू होता है। तो आपको जिस चीज़ का इलम होना चाहिए वो है जायकों का इलम। ये जायके आपको मालूम होंगे तो फिर आप दो चीज़ें आपने उसमें से देख ली बूटी में से कि इसका मिजाज क्या है, ये गर्मी मायल है, गर्मी की तरफ रजू कर रही है या ये किसी और तरफ जा रही है। लेकिन ये हतमी फैसला नहीं है, अभी आपने इसकी दो जहतें देखी हैं। तीसरी चीज़ हम देखते हैं किसी चीज़ का क्वाम, फिर आप उसका पानी निकालें, जड़ी बूटी को कूटे उसका पानी निकाल लें, पानी निकाल के उसके कवाम को चेक करें, इसका कवाम कैसा है, बिल्कुल पतला पानी की तरह है या इसके अंदर गाढ़ापन मौजूद है। ये चीज़ें देखें, देखेंगे ना आप, जिसका मतलब लेसा चीज़ें आप उनका पानी निकालते हैं वो गाढ़ी होती है, वो गाढ़ी किस चीज़ से होती हैं, गाढ़ी चीज़ें होती हैं लैक्टिन से, लैक्टिन होता है हड्डी जिसको कहते हैं, हड्डी की श्रेष जिसको हम कहते हैं, ये श्रेष चीज़ें गाढ़ी होती हैं और श्रेष बनती है हड्डी से। हड्डी का मिजाज क्या है, सर्द खुश्क, हड्डी का मिजाज सर्द खुश्क होता है ना, तो जिसके अंदर लेस चीज़ पाई जाएगी इसका मतलब इसके अंदर सर्दी खुश्की पाई जाती है। अगर वो पतला पान है, पतली चीज़ें जो होती हैं जितनी जितनी किसी को हरारत देते जाओगे वो चीज़ें पतली होती जाती है। तो ये आपके पास तीन किस्म के म्यार आ गए, लेकिन हतमी नहीं है, आपके इलम को आगे बढ़ा रहे हैं थोड़े से उस चीज़ को समझने के लिए कि ये गर्म हो सकती है। रंग से पता चला कि ये गर्म हो सकती है, रंग की तस्दीक ही उसके जायके ने कि इसके अंदर मीठा जायका मौजूद है। जी दो तस्दीकें होगी लेकिन फिर भी यकीन नहीं, आपने 100% उसका रिजल्ट लेना है। तो ये आपको मिला रिजल्ट 20% दो चीज़ों से। तीसरी चीज़ आपने उसका क्वाम लिया, क्वाम अगर पतला है तो वो हरारत से है, गाढ़ा है तो वो सर्दी खुश्की से है। दो चीज़ें आपके सामने आ गई, तीन आ गई, 30% आ गया। तो 30% जो रिजल्ट होता है यतमी नहीं होता, ये बहुत थोड़ा होता है। ये तमाम जो चीज़ें देखने वाली ये आपके अपनी बॉडी के अंदर है, जायका भी अपने मुंह से ले रहे हैं, रंग भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, क़वाम उसका है वो भी आपने अपनी आंखों से देखा है। अब चौथी चीज़ जो आपने देखनी है वो उसकी होती है बू, कि इसके अंदर से स्मेल कैसी आती है। ये तेज़ स्मेल है, हल्की स्मेल है या किस तरह की है। अब अगर हल्की स्मेल है तो उसकी दो किस्में होती हैं, एक तो होती है जिसको हम भीनी भीनी खुशबू कहते हैं, जो दिमाग को मुअत्तर करती है, जैसे ये अर्कियात वगैरह होते हैं ना, इसके रोगनियात वगैरह या असरियात वगैरह जो होते हैं जो हमारे दिमाग को मुअत्तर करते हैं। अब जितनी उसकी बू भीनी होगी, जो दिमाग को लबाएगी, दिमाग को सुकून देगी, ये हरारत से होता है। दिमाग को सुकून हरारत से मिलता है। अगर दिमाग के अंदर किसी चीज़ को आप सूंघते हैं तो दिमाग के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है, तो ये तेजाबियत की अलामत है। ये दिमाग उस चीज़ के अंदर तेजाबी मादे मौजूद हैं, और तेजाबी मादे क्या होते हैं, ये खुश्क सर्द होते हैं। अब अगर उनके खुश्की सर्दी उसके अंदर होगी तो लाजमी बात है उसका जायका भी फिर तुरश होगा, उसका जायका जो है ना फिर वो तुरश होगा। तो ये तीन चीज़ों ने तस्दीक कर दी कि इसके अंदर जो हम चीज़ देख रहे हैं ये इस मियार की हो सकती है।